देखो बेटा, इस सवाल में आपको दिया गया है ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg एट रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी। बहुत अच्छी बात है। आपने एक फोर्स लगा, नाउ ए फोर्स जो कि वेक्टर होता है, वेक्टर फॉर्म में भी दिया गया है, 60 स्क्वायर i + 40 j अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर t बराबर 3 सेकेंड। तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, हमको मालूम है न्यूटन्स लॉ से एफ बराबर एम ए, यहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाएगी बेटा आपको, उससे आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, आपका काम बन जाएगा। मास आपका कितना बेटा, 3 kg, तो आपने एम बराबर 3 रख दिया, एम ए राइट, काम आपका बन गया। 3 से डिवाइड कर दीजिए तो इधर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, टी स्क्वायर ही है ना बेटा, और यहाँ लेकिन 4/3 TJ हो जाएगा। वेलोसिटी चाहिए आपको, मालूम है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन वेलोसिटी होता है, वेक्टर है वेलोसिटी भी आपका, और ये हो गया 4/3 TJ। बस माफ कीजिएगा, आपकी वेलोसिटी निकल आई 2t² i + 4/3 t * j, और ये हो गया आपका dt। उठा के इंट्रीगेट कर दीजिए, लिमिट लगा दीजिए। आपने कहा सर हमने इंट्रीगेट कर दिया, इंट्रीगेट कर दिया और लिमिट लगा दी, ये कंप्लीट इसके लिए है बेटा। इनिशियली एट रेस्ट, यानी कि इनिशियल टी बराबर 0 पे बॉडी रेस्ट पे थी, आफ्टर टाइम 3 आपको भी बताना है। तो आपने कहा कोई बात नहीं, लाइव खोल दें, नहीं तो आप कहेंगे कि दिक्कत हो रही है। इस ब्रैकेट को खोल लीजिए, 0 से 3 2t² i dt हो गया, 0 से 3 4/3 t j। आपने देखा होगा मैथ फॉर नीट, उसको जरूर ले लीजिएगा, उसमें सारे इंटीग्रेशन सिखाया हमने, दो बार आ गया 0 से भी, t² है तो t³/3, 0 से 3 बेटा, i को रहने दीजिए, 4/3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, केवल t है तो t² / 2 हो जाएगा, एम राइट, 0 से 3 j है तो j रहे। एक बार कांस्टेंट 0 को हम नहीं ले रहे हैं, -0 0 हो जाएगा, यहाँ ये 2/3 और ये 3 के रखेंगे तो 3³ 0 पे 0 हो जाएगा, इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास जगह कम हो रही है। इससे आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो आपके पास मिल जाएगा 2/3, और 3 × t की वैल्यू बेटा 3 रखिएगा तो 3² हो जाएगा, और जब आप 0 रखेंगे तो 0 होंगे जिसको हम कंसीडर नहीं कर रहे। यहाँ से 9 है तो 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 × 3 9 बचेगा। लाइए एक बार कर दें, 3 × 3 × 3, 3 दफ़े लिखोगे बेटा, 3 × 3 2 दफ़े लिखोगे, ये कैंसिल कर लीजिए, ये कैंसिल कर लीजिए, ये कर लीजिए, 3 × 3 9 × 18, यानी कि आपका वी वेक्टर जो है इस केस में क्या होगा, 3 × 3 9 × 18 i, और बेटा इस केस में क्या होगा, 3 × 2 6 j है कोई आपका, 18 i 6 j, यानी 4th इज द करेक्ट ऑप्शन।